कार वाले ने वरना वाले में मारी है, गलती कार वाले की है। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और टाइम सुबह सुबह के 7 बज चुके हैं और आज है दीपावली। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी छोटी वाली दिवाली। जय हो भोलेनाथ बाबा की। जय हो। क्या कर रहे हो सुबह सुबह? अरे सफाई करी थी, इसमें एक कार्ड निकलेगी, मैं देख के रखूं। चेक कर रहे हो सारे कार्ड किसके हैं? इतने सारे कार्ड ऐसे ही हैं, फेंक दो। और अब सबसे पहला काम जिम जाना, क्योंकि जिम अब 4 दिन बंद रहने वाला है। दिवाली है, विश्वकर्मा डे है, सैटरडे संडे तो बंद रहेगा, तो आज थोड़ी सी कसरत कर ली जाए। अच्छा एक बात बताओ यार, काफ़ी मेरे पास ना कमेंट्स आए जब मैं जिम विम की वीडियो डालता हूँ कि जिम जाकर सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं चाहिए, या मेरे को जिम स्टार्ट करना है तो सप्लीमेंट के बिना कर सकता हूँ, तो क्या कहते हो तुम, लेना चाहिए? सर डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आपको बॉडी किस तरीके की चाहिए, कैसी बॉडी बनानी है। अगर नॉर्मल वर्कआउट, लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं यार, जिम करो, सप्लीमेंट के बिना भी बॉडी बन जाती है। ये नहीं है कि जिम कर रहे हो तो चाहिए ही चाहिए। अगर फिटनेस चाहिए तो अपना वर्कआउट करो और सिंपल डाइट लो, अच्छे से सब हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि जब सप्लीमेंट लेके ही जिम करना चाहिए या सप्लीमेंट के बिना जिम की बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी औरों की भी राय दिखा देते हैं आपको, लेकिन मेरे ख्याल से भी ना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बस फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाकी जरूरी नहीं है। अगर आपको नीड है तो आप ले लो। अच्छा ये बताओ, मैं जिम करूं या कोई भी जिम ज्वाइन करे तो सप्लीमेंट प्रोटीन लेना जरूरी है या वर्कआउट करके कुछ हो सकता नहीं, है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, हम नॉर्मल वर्कआउट और डाइट से भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जिम सप्लीमेंट लेने से ही कुछ होगा। मतलब अगर बिना सप्लीमेंट के करूं तो थोड़ा फर्क आएगा? नहीं क्यों नहीं आएगा फर्क, मेन डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए और डाइट चाहिए अच्छी, जरूरी नहीं सप्लीमेंट लेना। हम नेचुरल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, चिकन अंडा फिश वगैरह, और नहीं अगर प्योर वेज भी है तो उसमें अपना पनीर सोयाबीन बहुत सी चीज़ें हैं, स्प्राउट वगैरह। तो सुन लिया आपने और घर आऊंगा मैं आज। ओके तो कुछ लेके गया सप्लीमेंट प्रोटीन? नहीं कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, जो आप लोग ट्राई करते थे जैसे खाते हैं, मतलब डाइट बेनिफिट ज़्यादा है वैसे ही प्रोटीन लेता हूँ और कुछ नहीं। प्रोटीन भी आया है? हाँ जी। तो मतलब डाइट बेनिफिट काफ़ी अच्छा है, जिम डाइटिंग करते हो? जिनको पतला होना है वो लकी में ऐसा करके जिम जाए। और एक्सरसाइज से पहले ना वीडियो अपलोड कर दूं, और मैंने ना कल खुद ही गुड़ पंगे ले लिए, मतलब जो मेरी कल वाली वीडियो थी वो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने ना थोड़े सिनेमैटिक और कुछ स्टोरी टाइप में बनाई जिसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, और इसको करूँगा फिर वर्कआउट करूँगा। और कल ना मेरे साथ ये सीन हुआ था कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, मतलब शाम दोपहर को 3 बजे जाकर खाना खाया था, इसलिए मैंने अभी ऑर्डर करके जोमेटो से कुछ खाने के लिए मंगा लिया, पनीर कुलचा है और चाय भी मंगा ली है, तो इसको खाऊंगा उसके बाद बाकी के काम करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आज भी ना टाइम लग सकता है। हैप्पी दिवाली। फोन में लगे रहते हो ऐसे ही ना, वही ना, कुछ कुछ भी नहीं है इसमें, ले गया फिर। और अभी सीन ऐसा है कि मैं जा रहा था काम से, लेकिन मम्मी का फ़ोन आया कि घर आ कल भी तूने कुछ नहीं खाया 3 बजे तक। मैंने बोला मैंने मंगा के खा लिया है, लेकिन कह नहीं झूठ बोल रहा है, मेरे सामने खा, तो आना पड़ा घर। तो आए हैं तो रेस्ट करेंगे और डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे जब जाएंगे। और ये देखो, अरे घिस जाएंगी दीवारें, टूट जाएंगी, कितना रगड़ते हो इनको, रोज़ आता हूँ रोज़ ये क्यों बुलाते हो, इतना खा लिया था मैंने तो यूँ ही बुलाया, कल भी ना खाया फिर बार बार सब काम में डूब। देख लो माँ की ममता, देख लो माँ की ममता, भाई तेरी मम्मी कहाँ है, है तेरी मम्मी तो तुझे तकिया के नीचे छोड़ के चली गई। चल कोई नहीं, मम्मी चली गई, पापा आ गए। देखो मेरी मम्मी को फोन करके बुलाया, और ये देखो वियान की मम्मी, वियान को देख ही नहीं रही है, वो अकेला पड़ा हुआ है। बोल दिया मैंने मम्मी से, मैं तेरी मम्मी को शिकायत करके आ गया, मैं शिकायत कर दी कि भाई वियान तो अकेला है, वियान के साथ कोई नहीं है, कोई नहीं खेल रहा है भाई, अब मैं खेलूंगा, है ना, अब मैं खेलता हूँ थोड़ी देर इसके साथ, कह दो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, है ना।
तो चलिए नहा धोकर हो गए हैं रेडी और खाना वाना भी खा लिया है और अब निकलते हैं। लेकिन उससे पहले बताओ भाई, लग कैसा रहा है? मतलब साल में एक दो बार ही ऐसा होता है कि हम कुर्ते पजामे पहन पाते हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड मेरे काफी लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर कुर्ते पजामे अच्छे लगते हैं, शायद इस वजह से कि मेरी हाइट ठीक है। तो आप भी कमेंट्स में बताओ कैसा लग रहा है। भाई ये अंगूठा चूसने लगा है, ये अंगूठा मुंह में लेता है ना। चल बाय, मेरे को हंस के बाय कर देता है, बाय। जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, फिर मेरे साथ घूमने चला कर रोज। अभी तो इसकी दादी जाने नहीं देती, मना करती है कि इसको नहीं लेकर जाना है ना। मैं इसके लिए वो भी लेकर आया लेकिन जाने ही नहीं देती। चलो बाय बाय बाय। सो रहे थे क्या? नहीं, टाइम हो गया 3:35 और हम चले अपने काम पर। आज काफ़ी लोगों को गिफ्ट देना है, काफ़ी लोगों को मिलना है, लेकिन अब पता नहीं हो भी नहीं पाएगा नहीं, क्योंकि 3:30 बज गए। और अपनी दोनों BMW देखो कितनी गंदी हो रही है, ये भी कितनी गंदी हो रही है, ये भी दोनों को वॉशिंग करनी होगी और वो भी बाहर गंदी हो रही है। और एक तो शोर इतना ज़्यादा आ रहा है ना बाहर से। वैसे मैं कोशिश करूँगा, कल ना विश्वकर्मा डे है तो उस दिन बाइक कार साफ करते हैं, तो कल इनकी जम के मजाई कर देंगे। आज का जो मेरा काम है ना, आज मुझको सबको दिवाली विश करनी है, मतलब जो मेरे ट्रेनर मेरे स्टाफ और जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं सबको दिवाली विश करनी है, गिफ्ट देना है, मिलना है। और टाइम मेरे को लग रहा है कम ही बचे रहा है क्योंकि 4 बजने जा रहे हैं। मुझे अभी परचेस करना है सब कुछ, जितने गिफ्ट हैं सब कुछ लेने हैं, उसके बाद सबके घर जाना है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ घर जाकर दूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, वैसे जिम पर भी दे सकता हूँ, लेकिन घर जाकर दूंगा। कोशिश करूँगा कि जो दिवाली विश छोटा सा मतलब जो भी कुछ दूँ उनको अच्छा लगे और वो खुश हों दिल से अंदर से। तो चलिए एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम इनवेलप लेना है, वो यहाँ पर नहीं मिला तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बोनस उसी में रख के देंगे ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पहले ही मैं लेट हो गया हूँ, टाइम नहीं है, और ऊपर से सामने देख लो आज तो शीशा भी गंदा हो रहा है। कार वाले ने वरना वाले में मारी है, गलती कार वाले की है, और बाइक वाला भी गुस्से में इसलिए लड़ रहा है, उठ नहीं रहा। ये ठीक है कि किसी को लगी नहीं है, चोट नहीं आई, बस ये ठीक है। और कार वाले तो हंस ही रहे हैं, मतलब अंकल जी निकले हैं रेड टी शर्ट वाले, रेड शर्ट वाले वो हंस रहे हैं, वो कह रहा है एटलीस्ट उठा तो दो बाहर निकल के, मतलब कार से निकल भी नहीं रहे हो, उठा भी नहीं रहे हो, देख भी नहीं रहे हो। अभी सबसे पहले ना मैं सुरेंद्र के घर जा रहा हूँ, टाइम देखो 5:00 बजने जा रहे हैं, तो देखते हैं यार पूरा आज दे भी पाएंगे नहीं, तो कल दिवाली वाले दिन ही किसी के घर जाना ना अच्छा नहीं लगता है। पार्टी चल रही है, सुरेंद्र की सिस्टर है, उसका ये ट्यूशन कोचिंग सेंटर है, पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, दोनों चाहिए पार्टी हो गया। अभी डांस हो रहा है। सीन ऐसा है, मैं 3-4 जगह होके जा चुका हूँ, सुरेंद्र के घर गया, उसके बाद भी 2-3 जगह गया, लेकिन ना यार हर जगह वीडियो बनाना कैमरा ले जाना अच्छा नहीं लगता है। एक फेस्टिवल है, दिल से दिल का रिश्ता होता है, मिलना होता है, वो चीज़ कर ली, लेकिन कैमरा लेकर नहीं गया। और काफ़ी अच्छा लगा सबको विश कर कर, गिफ्ट देकर, रिटर्न गिफ्ट लेकर, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अब ना टाइम ज़्यादा हो गया, तो अब टाइम बहुत कम है, और मैं नहीं चाहता कि दिवाली वाले दिन किसी को जाऊँ, तो स्टूडियो आ गया और यहीं पर बुला लेता हूँ सबको, और जो रह गए हैं 4-5 लोग उनको अभी दे देता हूँ, है ना, ये ठीक रहेगा, कॉल करके बुला लेता हूँ और यहीं तक देता हूँ। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल 4 दिन छुट्टी, 4 दिन घूमो फिरो या रेस्ट करो, तबियत खराब थोड़ी देख लेना सुबह। हाँ मैं अभी फ्री होगी तो मैं दे देता हूँ, चला ठीक। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे बस इतना बड़ा फील मत करो, फिर ऐसा लगेगा बहुत उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया ऐसा लगेगा। हैप्पी दिवाली। अभी तो तुमसे 1 साल छोटा है। 1 साल? सही में 1 साल छोटा हूँ तुमसे। अभी तो 20 साल है। मैं 18 हूँ, 2 साल छोटा हुआ, फिर तो 2 साल छोटा हूँ। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू आल्सो, हैप्पी दिवाली। ऐसी हमारी दोस्ती चलती रहे, ऐसी हम दिवाली दिवाली पे मिठाई खाते रहे। आपको सर, आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी दिवाली सबको। निशांत को करा, निशांत के लिए गिफ्ट है, वो कहता ना वीडियो देख के अब तुम्हारे लिए गिफ्ट आ गया ना।
देखो मनोज ने भी दी है लेकिन हमने कार में रख दिया, इसके लिए थैंक यू। क्या लाए हुए? बटर स्कॉच आपकी। ओए हो, मेरी फेवरेट पता चल गई है, मुझे भी तुम्हारे कई चीज़ फेवरेट पता चल गई है। हैप्पी दिवाली। रोड पे सब देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं भाई साहब? फोन वोन फ्लैश लाइट, क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो फ्लैश लाइट चल रही है, कैमरा वैमरा आए जाओ। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। अभी जो टाइम है ना 10 बजने वाले हैं और अभी भी मुझे 2-3 जगह जाना है, लेकिन वहाँ भी जाकर यार वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो सोचा इस वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ। सबसे पहले जाते हुए आपको दोबारा हैप्पी छोटी दिवाली, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए आप पुरानी वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, शेयर कर दो, कुछ नहीं करते हो आप करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी तरह कुछ नई, मिलते हैं इसी तरह, शेयर कर दो और मेरा दिवाली गिफ्ट ही समझ लो, दिवाली गिफ्ट दे दो मुझे सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।